नगर थाना क्षेत्र के धरना गांव के एक ही परिवार के चार सदस्य बिस्किट खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। हालांकि गंभीर होने पर चिकित्सक ने इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। बता दें कि किसी दुकान से बिस्किट मंगाकर परिवार के सदस्यों ने खाए थे। बिस्किट खाते ही सभी बीमार हो गए। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक ने इलाज के लिए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया है। डॉक्टर साहब, एक ही परिवार के चार लोग नियमताबाद ब्लॉक से आए थे, सभी वाराणसी रेफर हुए, क्या है मामला? ये पीएससी नियमताबाद से चारों मरीज रेफर हुए थे, फूड पॉइजनिंग का केस था। बताया जा रहा था कि कोई बिस्कुट खिलाया गया है जी, उनको हमने फर्स्ट ऐड करके इलाज करके उनको वाराणसी SSPG वाराणसी कोटचौरा के लिए रेफर किया। मामला यह है कि एक बिस्कुट खा के ये चारों लोग बीमार पड़ गए एकाएक जी। तो हमको सूचना मिली, मैं 108 नंबर डायल किया, फिर PSC मुगलसराम गए ब्लॉक नियंताबाद पे, फिर वहाँ से रेफर हुए जिला अस्पताल, अब फिर यहाँ से रेफर हो रहे हैं कपिल चौरा या तो ये जहाँ पे भर्ती मिले। तो एक ही परिवार के लोग बिस्किट खाए थे, कौन सा बिस्किट खाए, कुछ आइडिया है आपको? हम तो इन लोग के परिवार के ही लोग से दस बता सकते। अच्छा, खबर जौनपुर से है, जहां आगामी चुनाव से पहले जिलाधिकारी ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।